स्वागत सभी के नए वीडियो में गाइस। तो आज आपके इंदौरी टेक गुरु लेकर आए हैं आपके लिए बेस्ट डील्स टू ग्रैब इन बिग दिवाली सेल। देखो काफी सारे लोग जो है बिग बिलियन डे के टाइम में सेल में जो है चीजें मिस आउट कर गए थे, बट आज वापिस से सेल चालू हो चुकी है उन लोगों के लिए जो नहीं खरीद पाए थे, तो उनके लिए सेल और आखिरी सेल है क्योंकि इसके बाद शायद फिर आपको ऑफर्स ना मिले और फिर अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ डील सॉर्ट कर रखी है जो आपको कंसिडर करना चाहिए और डिफरेंट कैटेगरीज में है, तो फटाफट से अपन उसके बारे में बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन यहाँ पर स्मार्टफोन्स को लेकर। तो स्मार्टफोन सबसे अच्छी डील जो यहाँ पर आ रही है वो है आईफोन 14 पे। यूजुअल जो रेगुलर प्राइसिंग है वो है 62,000 के आसपास, बट सेल में आपको ये 52,000 का मिल जाएगा। आईफोन के बारे में क्या ही बोलूं, मतलब मैं सभी चीजों में एकदम एक्सपर्ट डिवाइस है और 128 GB वाला आपको वेरियंट जो है वो 52,000 में मिल जाएगा। इसमें SBI का जो क्रेडिट कार्ड है उसका आपका यूज करना पड़ेगा जिसपे आपको 3,000 रुपए का डिस्काउंट है। तो SBI क्रेडिट कार्ड यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं अपने कार्ड में अगर आपको परचेस करना है, और उसके थ्रू अगर परचेस करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर मिल पाएगा। तो ये है अच्छी डील जो कि आईफोन 14 में आपको मिल जाती है। वहीं 14 प्लस अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो 14 प्लस भी आपको कम रेट में मिल रहा है, 62,000 में मिल रहा है प्लस, मतलब यानी कि स्क्रीन थोड़ी सी आपको बड़ी मिल जाती है। और ऑलमोस्ट 14 और 14 प्लस में कोई ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, सिर्फ डिस्प्ले में आपको यहाँ पर मेजर डिफरेंस मिलता है। तो अगर आपको बड़ा डिस्प्ले पसंद है तो आप इस वाले फोन के साथ जा सकते हैं। सेम प्राइसिंग आपको यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो आपको 62,000 मिलती है। वही SBI का क्रेडिट कार्ड आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। वेल अगर आप यहाँ पे हम लोग बात करते हैं थोड़े से मिड रेंज फोन्स को लेके, सैमसंग का भी अपना एक फ्लैगशिप फोन जो है वो आ गया है विद स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ में। S21 FE जो है वो प्रीवियस जनरेशन में आपको एक्सिनोस के साथ में मिल रहा था, बट अभी 2023 वाला वेरिएंट आया है जिसमें आपको यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर देखने को मिलता है, यानी कि फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो इस वाले फोन को भी आप कंसिडर कर सकते हो अगर आप एक एंड्रॉइड फोन पे नजर डाल रहे हैं विद द फ्लैगशिप फीचर्स, क्योंकि आपको ये 8 GB रैम के साथ में मिल जाता है, इसमें आपको IP67 रेटिंग मिल जाती है। तो ये फोन 35,000 की प्राइसिंग में मिलेगा, रेगुलर प्राइसिंग जो इसकी 45,000 के आसपास रहती है, बट यहाँ पर भी आपको SBI का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो ये फोन भी आप जरूर से ग्रैब कर सकते हैं, काफी अच्छी डील है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं थोड़े से अंदर, यानी कि थोड़े से प्राइस रेंज थोड़ा सा मीडियम, यहाँ पे 30,000 के अंदर में अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर Realme 11 Pro Plus आपके लिए काफी अच्छा फोन हो जाता है। 12 GB रैम इसमें मिल जाती है जो कि काफी ज्यादा हो जाती है, 256 GB आपको स्टोरेज मिल जाएगी यहाँ पे, 5000 mAh की बैटरी है और Dimensity 750 के साथ में ये आता है जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है अपने सेगमेंट में। तो इस फोन को आप कंसीडर कर सकते हैं, 20,000 का अगर आपका बजट है, रियली अ गुड डील जिसको आप देखें। अगर आपको अगर ये 25,000 का बजट आप लेके चल रहे हैं तो ये अभी आपके लिए ऑप्शन बन सकता है। वहीं हम लोग मूव ऑन करते हैं जो कि मेरा फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट फोन है, ये है मोटोरोला का H40। 8 GB रैम है, 256 GB रैम है, आपको रोम देखने को मिलती है, आपको यहाँ पे 440 mAh की बैटरी है, Dimensity 8020 के साथ में आता है। लुक वाइज बहुत जबरदस्त फोन है, कर्व्ड एजेस के साथ में ये आता है। साथ में खास बात बताया कि जो प्राइसिंग है वो काफी कम हो गई है, यहाँ पे 26,000 का आपको प्राइसिंग में मिल रहा है और IP68 रेटेड है, तो मतलब आप इसको पानी वगैरह में भी ले आ सकते हैं, यानी कि वाटर प्रूफ आपको ये फोन देखने को मिलता है। तो ये सबसे खास और इंपॉर्टेंट चीज है इस फोन की जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं एट द प्राइस ऑफ 26,000, जो कि काफी अच्छी है। रेगुलर प्राइसिंग इसकी आपको ज्यादा देखने को मिलती है, बट अभी सेल में इसकी प्राइसिंग कम हुई है। अब वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे सेगमेंट को लेके, तो यहां पर एक और आपको ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि जस्ट लॉन्च फोन है यहां पे, मोटोरोला का H40 Neo, जो कि 23,000 की प्राइसिंग पे मिलता है। इसमें भी जो हाईलाइट पॉइंट है यही कि IP68 रेटिंग के साथ में आता है, यानी कि वाटर प्रूफ आपको फोन देखने को मिलता है विद MediaTek के Dimensity चिपसेट 7030 के साथ में आता है। सेम वही प्रोसेसर जो आपको Realme के Pro Plus में देखने को मिलता है, वही प्रोसेसर यहां पर भी यूज कर रखा है, बट यहां पर जो हाईलाइट है वो इसका है IP68 और 144Hz का आपको POLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। प्राइसिंग इसकी भी काफी अच्छी है, तो ये फोन भी आप कंसिडरेशन में ले सकते हैं, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। पर अगर हम लोग बात करते हैं 15-16,000 रुपए के बजट में, तो यहां पर फिर आपके लिए अच्छा ऑप्शन बन जाता है जो कि है मोटोरोला का G54। 16,000 रुपए की प्राइसिंग में मिल रहा है, 6000 mAh की काफी तगड़ी मैसिव बैटरी आपको देखने को मिलती है। अगर आप एक बिजनेसमैन है और आपको लंबे समय तक बैटरी परफॉर्मेंस चाहिए तो ये फोन आपके लिए कंसिडरेशन में हो सकता है। 12 GB की रैम है, परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिलने वाली है, 256 GB आपको यहाँ पर स्टोरेज मिल जाएगी। Dimensity के 720 प्रोसेसर के साथ में आता है जो कि अपने सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाता है। तो ये भी आपको काफी अच्छी डील में मिल रहा है 16,000 की प्राइसिंग में, तो ये फोन भी आप चेकआउट कर सकते हैं। वेल अगर मैं गूगल पिक्सल फोन की बात करूं तो 7A सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी वाले चीज को लेकर हम लोग देखते हैं। 32,000 की प्राइसिंग में मिल रहा है क्योंकि अभी 8 लॉन्च हुआ है, 8 अभी एक्सपेंसिव है। वहीं अगर मैं 7 प्रो या 7 की बात करूं तो वो भी आपको महंगा देखने को मिलता है, बट 7A जो है वो काफी अच्छी डील अच्छी प्राइस में मिल रहा है। 8 GB रैम है, 128 GB की स्टोरेज है और टेंसर की G2 प्रोसेसर के साथ में आता है, फ्लैगशिप लेवल का फोन है। इसमें आपको कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिलती है, प्लस जो गूगल के कैमरा फीचर्स हैं विद इट्स सॉफ्टवेयर वो काफी जबरदस्त है। तो आप इस फोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं एट द प्राइस ऑफ ₹32,000। वहीं आगे फिर पोको का
M6 Pro भी आपके लिए कंसिडर करेगा, जो चीपेस्ट आपके लिए एक 5G फोन बन जाता है अगर आप सबसे कम दाम में एक 5G फोन खरीदने का मन बना रहे हैं, तो पोको के M6 Pro 5G के साथ में जा सकते हैं। परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है, प्लस आपको एक 5G फोन चाहिए तो ये आपकी नीड को फुलफिल कर देता है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कुछ लैपटॉप्स को लेके जो मुझे पर्सनली लगे हैं कि बहुत वैल्यू फॉर मनी है कहीं ना कहीं, और अगर हम उनके बारे में बातचीत करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अंडर 30K में मिल जाती है इन्फिनिक्स की बुक Y1, जो कि इंटेल के कोर i3 प्रोसेसर के साथ में आता है। मतलब i3 प्रोसेसर आपको 30,000 के अंदर कोई भी ब्रांड नहीं प्रोवाइड करता टेक्निकली, बट इन्फिनिक्स का ये जो बुक है आपको वो दे देता है। साथ ही में यहाँ पर आपको स्टाइलिश पोर्टेबल थिन डिजाइन देखने को मिलता है, 8GB रैम दे रखी है, 256GB की आपको SSD मिल जाती है, विंडोज 11 पे ये ऑपरेट कर रहा है। इसी के साथ साथ इसमें आपको फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि अच्छी बात होती है आउटडोर सिनेरियोस में, जब आप लैपटॉप को यूज करते हो तो आपको दिक्कत नहीं आती, तो ग्लेयर्स जो है इफेक्ट करती है आपके यूजेज को, तो ये इस बुक की काफी अच्छी बात है। इसकी प्राइसिंग भी जो है काफी अच्छी रखी है, जो कि आपको 30,000 के अंदर में मिल जाता है, तो इसको कंसिडरेशन में ले सकते हैं। वहीं अगर आप अंडर 40 के देखना चाह रहे हैं तो फिर आप ASUS के वीवो बुक 14 के साथ में जा सकते हैं, जो कि इंटेल कोर i3 11 जेन के साथ में आता है। 16GB की आपको इसमें रैम देखने को मिलती है, 512GB की आपको SSD प्रोवाइड कर रखी है। साथ ही साथ 14 इंच का फुल HD आपको एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि काफी लोग रिक्वायर्ड रखते हैं, तो एंटी ग्लेयर डिस्प्ले यहाँ भी दे रखा है आपको। LED बैकलेट है, कीबोर्ड आपका बैकलेट मिल जाएगा आपको। सारी जो फीचर्स जो आपको बेसिक चाहिए वो यहाँ पे फुलफिल्ड है। यहाँ पे भी आपको विदाउट ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव आजकल वही चीज मिलने लगी है, तो हाँ इसको भी आप कंसिडरेशन में ले सकते हो अगर आपका 40,000 के अंदर का बजट है। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं 50,000 के अंदर, और आपको एक गेमिंग लैपटॉप मिल जाता है। अब गेमिंग लैपटॉप यहाँ पर है HP Victus, जो कि इंटेल कोर i5 12 जेन के साथ में आता है। अच्छी बात यह है कि 8GB 512GB की आपको SSD मिल जाती है, विंडोज 11 होम के साथ में आता है, 4GB का आपको यहाँ पे ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है, NVIDIA G4 RTX 2050। अच्छा ग्राफिक कार्ड है, डेफिनेटली 3050 और इससे एक्सट्रीम वाले आते हैं, बट फिर प्राइसिंग भी मैटर करती है। तो 50,000 के अंदर अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन बन जाता है, तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बातचीत करूंगा मैं यहाँ पे स्मार्ट वॉच फैंस के लिए, क्योंकि स्मार्ट वॉचेस मुझे कुछ अच्छी सी दिखी थी जो फ्लिपकार्ट पे काफी कम दाम में आई है, जो थी तो महंगी बट बाद में सेल में काफी सस्ती हो गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा नॉइस की इवॉल्व 3 को लेके, काफी जबरदस्त प्राइसिंग है, 2,000 रुपए के प्राइस में मिल रही है। पर्सनली बोलूंगा वॉच बहुत अच्छी, मैंने इसके वीडियो भी बना रखा है, और अगर आपको देखना है तो वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको चेक भी कर सकते हो। बाकी वॉच जो है क्वालिटी के मामले में काफी अच्छी, क्योंकि AMOLED डिस्प्ले आपको मिल जाता है, ट्रू सिंक TM यहाँ पे आपको कॉलिंग परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको नॉइस का जो हेल्थ सूट है, यानी कि जहाँ पे आपको HRSPO2 काफी जो रीडिंग्स वगैरह है वो काफी एक्यूरेट देखने को मिलती है। बैटरी टाइम भी अच्छा है इसका, 7 दिन की आपको बैटरी परफॉर्मेंस मिल जाती है, और 2,000 रुपए की प्राइस से मिल रही है, 3,000 रुपए के आसपास ये जब लॉन्च हुई थी तब थोड़ी सी महंगी लग सकती है, बट अभी जो प्राइस है वो काफी अच्छी है, 2,000 में आप इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको एक सर्कल डायल वाली वॉच चाहिए तो। वहीं मेरे पास स्क्वायर डायल में एक अच्छी वॉच रखी है, जो कि फास्ट ट्रैक की रिवॉल्ट है FS1 Pro, 4,000 के प्राइस पे लॉन्च हुई थी, काफी महंगी वॉच थी है, और अभी इसकी प्राइसिंग मात्र 2,400 रुपए हो गई है। कर्व्ड आपको देखने को मिलता है डिस्प्ले, वर्ल्ड्स फर्स्ट इन्होंने यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले का यूज कर रखा है, जो कि कर्व्ड आपको देखने को मिलता है, लुक काफी अच्छे हैं, प्रीमियम वॉच दिखती है ये, और साथ ही साथ इसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग फंक्शन देखने को मिल जाएगा, बैटरी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है, तो इस वॉच को भी आप कंसिडरेशन में ले सकते हैं अगर आपको एक थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल और लुक वाली वॉच चाहिए विद प्रीमियम फिनिश, तो ये वॉच आपके लिए कहीं ना कहीं ऑप्शन बन सकती है एट द प्राइस ऑफ 2,400। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा था वो है बीट XP का, जो कि बजट सेगमेंट में आ जाता है। काफी सारे लोग हैं जो बजट सेगमेंट में वॉच ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बीट XP की अनबाउंड न्यू मिल जाती है एट जस्ट प्राइस ऑफ 1,300। आपको 1,300 रुपए में AMOLED डिस्प्ले मिलना बहुत मुश्किल होता है, बट ये वॉच आपको प्रोवाइड करती है, IP68 रेटेड भी है, तो वाटरप्रूफ आपको मिल जाती है, साथ ही साथ इसमें आपको सारे जो मेन बेसिक फंक्शन चाहिए वो अवेलेबल कर रखे हैं, तो 1,300 रुपए के प्राइस का बजट है आपका तो इस वॉच को आप चेकआउट कर सकते हैं। वहीं बोट की मैंने ये वॉच रखी क्योंकि बोट के काफी सारे फैंस हैं जो वॉच खरीदना पसंद करते हैं, बोट ब्रांड में बिलीव करते हैं, तो उनके लिए ये वॉच काफी अच्छी डील में आई है, जो कि 2,200 रुपए के प्राइस पर है, और इसमें आपको 1.43 इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, ब्लूटूथ कॉलिंग है, स्पेशली अगर आप क्रिकेट के फैन है तो इसमें आपको क्रिकेट का लाइव स्कोर भी देखने को मिल जाता है, तो ये सारे टर्म्स में अगर आप वॉच को देखते हैं तो वॉच काफी अच्छी है, लुक वाइज भी काफी अच्छी, स्लिम एंड स्लिक दिखती है, तो फिनिश वगैरह भी अच्छी है, और इसका वीडियो बना रखा है वो भी मैं ऐड कर दूंगा, देख लेना उसके बाद आप चेकआउट कर लेना। 2,200 रुपए के प्राइस में काफी अच्छी डील है, क्योंकि 4,500 रुपए के प्राइस पर लॉन्च हुई थी और अभी जो प्राइस है वो बहुत ही रीजनेबल है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा मैं नॉइस की विजन 3, बहुत ही जबरदस्त वॉच है गाइज, और ये
आपको सॉलिड मेटालिक बिल्ड में देखने को मिलती है। प्लस इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत अच्छा है। अभी जितनी वॉचेस मैंने रिव्यू करी ना उन सब में से आपको बेस्ट डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिलता है। है ये भी एमोलेड बट जो क्वालिटी है वो काफी प्रीमियम है। IP68 रेटिंग के साथ में आती है, वाटर प्रूफ आपको वॉच मिलती है, 150 से ज्यादा वॉच फेसेस अवेलेबल कर रखे हैं। इसमें आपको जो है दो ऑप्शन और देखने को मिल जाता है, यानी कि बेल्ट के जो ऑप्शन है वो भी काफी सारे हैं। इसमें चेन वाला बेल्ट भी मिल जाएगा जो 3000 रुपए के आसपास मिल रहा है, और नॉर्मल अगर सिलिकॉन बेल्ट के साथ में जाते हो जो कि आपको 2700 रुपए के प्राइस में मिल रहा है। वॉच लॉन्च हुई थी 5000 रुपए और अभी जो प्राइसिंग है वो जस्ट हाफ हो गई है, तो आप इस वॉच को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं इस सेल के दौरान। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी 1500 रुपए का प्राइस बजट लेके जो चलते हैं उनको सर्कल डायल की वॉच चाहिए तो BATXP की वेगा एक अच्छा ऑप्शन है, और मैं पर्सनली भी इस वॉच को यूज कर रखा हूँ, रिव्यू कर रखा हूँ, तो आप इस वॉच को कंसीडर कर सकते हैं। 1000 nits की ब्राइटनेस मिल जाती है, 1.43 इंच का आपको राउंड एमोलेड डिस्प्ले दे रखा है यहाँ पर, और इजी पेयरिंग वाली आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिलेंगी, कॉलिंग परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है, तो ये वॉच आप चेकआउट कर सकते हैं 1500 रुपए के प्राइस में। अब भाई अगर मैं बात करूंगा ईयरबड्स को लेके तो ईयरबड्स भी आपके लिए काफी अच्छी डील्स में आ रखे हैं। जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखे हैं कुछ चुनिंदा सिलेक्ट कर रखे हैं जो आपके काम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे रियलमी का बड्स T300 है, अच्छी प्राइसिंग है, 1900 रुपए की प्राइसिंग में आपको ये मिल सकता है। 100 रुपए का आपको ऑफ मिलेगा विद पेटीएम, अगर आप पेटीएम के थ्रू पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर 100 रुपए का आपको ऑफ मिल जाएगा। तो ये भी आप काफी अच्छे दाम पे खरीद पा रहे हैं, अच्छा डिवाइस है, इसमें आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिल जाता है, साथ ही साथ परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, 12.4 mm के ड्राइवर्स हैं। साउंड क्वालिटी में बेस की बात करूँ या ट्रेबल्स की बात करूँ काफी प्रीमियम आपको यहाँ पे फील देगा, और एट द प्राइसिंग जिस प्राइसिंग पे आपको मिल रहा है ये कहीं ना कहीं बहुत वैल्यूएबल बन जाता है, तो इस डिवाइस को आप चेकआउट कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा दूसरे ब्रांड्स को लेकर, जैसे कि बोट का एडास 161 है जो कि 1000 रुपए के अंदर का बजट लेके चल रहे हो तो मात्र 900 रुपए के प्राइस में मिल रहा है, गुड डील है। अगर आप इसको कंसिडर करना चाहते हैं तो काफी सही है प्रोडक्ट है ये, IPX5 रेटेड आपको देखने को मिलता है, वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट है, साथ ही साथ परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, बैटरी अच्छी आपको मिल जाती है, तो ये डिवाइस भी आपके लिए ऑप्शन बन सकता है अगर 1000 रुपए के अंदर लेना है तो। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर रियलमी के बड्स एयर 5, काफी अच्छे प्राइसिंग पे जा रहे हैं ये, 2850 रुपए के प्राइस में जा रहे हैं जो कि बहुत ही रीजनेबल रेट हो जाता है। फीचर के मामले में बात करूं तो आपको ANC काफी अच्छा देखने को मिलता है जो कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन काफी सारे लोग ढूंढ रहे होते हैं ईयरबड्स में वो आपको प्रोवाइड करता है, और इसका जो बेस है वो काफी अच्छा है। बेस के मामले में डिवाइस मुझे पर्सनली बहुत इंप्रेस किया था, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि अगर आप एक बेस के फैन हैं तो आप इस डिवाइस को कंसिडरेशन में ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोट का निर्वाणा आयोन, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ईयरबड रहा है बोट का इस साल का, और इसकी प्राइसिंग बहुत कम गई है, नियर टू नियर आपको 1600 रुपए के आसपास ये मिल जाता है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही सही प्राइसिंग है। साउंड क्वालिटी के मामले में बहुत अच्छी क्लैरिटी आपको देखने को मिलती है, और पर्सनली इसका बेस भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम फील होता है, और अगर आप बजट की बात करते हैं तो इस बजट में मेरे हिसाब से वैल्यूएबल है। प्लस इसमें आपको बोट का जो सिग्नेचर साउंड है वो भी आपको अवेलेबल कर रखा है, तो ये भी आप डिवाइस चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको बोट का ही कुछ प्रोडक्ट देखना है तो। वहीं अगर मूव ऑन करते हैं हम लोग यहाँ पर दूसरे प्रोडक्ट को लेके, जो कि मुझे बेस्ट डील लगी थी कि सोनी के XM4 जो है प्रीमियम ANC फोन है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लीडिंग ANC आपको इस डिवाइस में देखने को मिलता है। अभी XM5 आ चुका है बट ये जो प्रीवियस जनरेशन वाला हेडफोन है ये उसके मुकाबले में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलता है। अब यहाँ पे जो प्राइसिंग गई है वो बहुत ही जबरदस्त गई है, 16487 यानी कि लगभग 16,500 के आसपास आपको ये डिवाइस मिल जाता है, और इस प्राइस में आपको बिल्ट इन एलेक्सा मिलता है, साउंड बहुत जबरदस्त है, और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन एक बार आपने पहना है हेडफोन में ANC ऑन कर रखा है आसपास का कुछ भी सुनाई नहीं देता, तो काफी प्रीमियम सा हेडफोन है, इसको भी आप डेफिनेट कंसिडरेशन में ले सकते हैं बहुत ही कम दाम में, क्योंकि लगभग 22-23,000 रुपए के प्राइसिंग पे ये रेगुलर मिलता है। अब यहाँ पे कुछ साउंड बार्स भी है जो मैंने कंसिडरेशन में रखे हैं क्योंकि मुझे बहुत सही लगे, प्राइसिंग बहुत अच्छी है आपका। काफी लोग होते हैं जो घर में एक साउंड बार ढूंढ रहे होते हैं कम प्राइस रेंज में, तो ये जो मीवी का फोर्ट A80 है ये आपको 3000 के आसपास मिल रहा है, इसमें आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा बैंक कार्ड का, तो ये आपको 2500 के आसपास भी मिल सकता है, तो थोड़ा सा उसका आप इस्तेमाल कर लेना या फिर पेटीएम वगैरह से पेमेंट करें तो भी आपको ऑफर मिल जाते हैं। बट 3000 में 80 वॉट का आउटपुट, क्वालिटी काफी अच्छी होती है, बिल्ट इन वूफर के साथ में आता है तो आपको हल्का सा बेस भी यहाँ पर मिल जाता है, और बेस इनफ है अगर आपका 10x10 का कमरा है ना तो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट सा साउंड बार है, क्वालिटी काफी अच्छी है और साउंड भी अच्छा प्रोड्यूस कर देता है, तो इसको आप कंसीडरेशन में ले सकते हैं क्योंकि मीवी के साउंड बार अभी काफी अच्छे आ रहे हैं। और उनका एक और प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है जिसका हमने अभी रिसेंट रिव्यू भी किया था, S180 2.1 चैनल, अगर आपको सबवूफर भी चाहिए तो थोड़े से आपको पैसे बढ़ा के देना पड़ेंगे, और 5000 के प्राइस में यहाँ पर आपको 2.1 चैनल मिल जाता है, इसमें आपको कनेक्टिविटी में ब्लूटूथ मिल जाएगा, ऑक्स मिल जाएगा, USB मिल जाएगा, सारी कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट प्रोवाइड कर रखी है।
बिल्ट इन सबवूफर तो आपको प्रोवाइड कर रखा है, बट उसके अलावा आपको एक्सटर्नल सबवूफर भी मिलता है, क्वालिटी काफी अच्छी और बेस जो है वो काफी रिच आपको मिलता है। डिटेल वीडियो बना रखा है, वो मैं कार्ट में ऐड कर देता हूँ, आप चेकआउट कर लेना। बाकी जो प्राइसिंग है वो काफी अच्छी है, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर आप 5.1 चैनल चाहते हैं तो ये आपको अंडर 10,000 सबसे चीपेस्ट 5.1 चैनल देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसमें आपको 8 इंच का सबवूफर देखने को मिलता है, और 8 इंच का सबवूफर अंडर 10,000 कोई भी ब्रांड नहीं प्रोवाइड कर रहा है। ये जो बेस है वो बहुत तगड़ा प्रोड्यूस करता है, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस भी कर रखा है, वीडियो भी बना रखा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। 8,999 की प्राइस में मिल रहा है, इस पर आपको बैंक डिस्काउंट देखने को मिलेगा और लगभग 8,000 की कीमत पर आपको ये मिल जाएगा। मेरे हिसाब से अगर आप 5.1 चैनल चाहते हो, क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो 440 वोल्ट का है, अगर आपका कमरा 15x20 का है तो ये आपके लिए बहुत ही परफेक्ट सूट करेगा, आप इस डिवाइस को चेकआउट करें। बेस स्पेशली इसका बहुत जबरदस्त है, उसको लेके मैं कंसीडरेशन में बोलूंगा। अगर आपको बेस ज्यादा चाहिए तो ये डिवाइस आपके लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है एट द प्राइस ऑफ ₹8,000। सो दैट्स इट, यही सारी डील्स थी जो मुझे पसंद लगे कि आपको मैं बताना चाहूं, क्योंकि आप अभी सेल के टाइम पे चीजें ढूंढ रहे होंगे। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो काफी अच्छे प्राइसिंग पर आए हैं और अच्छे भी क्वालिटी के टर्म्स में, और मुझे पर्सनली जितने मैंने एक्सपीरियंस कर रखे, जो रिव्यू कर रखे हैं, उस हिसाब से मुझे लगा कि मैं आपके साथ ये चीज शेयर करूं। हाँ, बाकी कोई सवाल या डाउट आपके मन में हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, कोई प्रोडक्ट को लेकर सजेशन चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इंदौरी टेक गुरु को आपको प्यार दे रहा होगा तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों क्या जल्दी से शेयर करो ये वीडियो, ताकि वो भी इस सेल में जो डील्स हैं उनका फायदा उठा सके, और जो ये लिमिटेड टाइम की सेल और आखिरी सेल है तो कहीं ना कहीं उनके लिए बेनिफिट रहेगा। बाकी बस नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलते रहे। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।